वर्धा जाने के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नागपुर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं ने करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है और जेल जाने से डरते हैं, वे एक साथ आकर महाविकास आघाड़ी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग जमानत पर है, चारा घोटाला में शामिल है, जो लोग नौकरी के बदले में प्लॉट मांग रहे हैं, वे सभी एक साथ है। ठाकुर ने कहा कि भाजपा के 9 साल के कार्यकाल में देश के नागरिकों ने एक ईमानदार सरकार देखी है। 9 वर्षों में भारत लगातार आगे बढ़ा है, ईमानदार सरकार भारत ने देखी है और घोटाला मुक्त शासन क्या होता है, ये 9 वर्षों की पहचान मोदी सरकार की है। गरीब कल्याण क्या होता है, ये 9 वर्षों की पहचान मोदी सरकार की है। सेवा भाव क्या होता है, ये पहचान मोदी सरकार की है। और श्रीमान राहुल गांधी जी को याद करवा दूं, जो जमानत पर भ्रष्टाचार के चलते बेल पर हैं, ये गठबंधन वो नहीं जहां चारा घोटाले वाले, जॉब के बदले जमीन मांगने वाले, नौकरी के बदले नकद मांगने वाले, 1700 करोड़ का पुल बनने के बजाय 2 बार ढहने वाले, वो सब लोग इकट्ठे हैं। श्रीमान राहुल गांधी जी, भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 5वें नंबर की पहुंची है। ईमानदारी के साथ 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिला है, 3.5 करोड़ से ज़्यादा को पक्का मकान मिला है, 12 करोड़ शौचालय बने हैं, 9 करोड़ 60 लाख बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर मिला है और 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिला है, 12 करोड़ घरों को नल से जल पहुँचाने का कार्य हुआ है, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगी है। दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने करके दिखाया है। और जहां तक महंगाई की बात करते हैं, कांग्रेस के शासनकाल का केवल एक साल ही उठाकर देख लीजिए, 2013-14 12.5 से 13% महंगाई थी, आज 4.5% महंगाई है। औसतन मोदी सरकार के 9 साल का देखेंगे तो 4.5-5% से कम महंगाई दर है। उनके समय डबल डिजिट महंगाई थी, यहाँ सिंगल डिजिट में भी आधी है। ये फर्क है, झूठ बोलने से, बार बार झूठ बोलने से कुछ सच नहीं हो जाता। सच्चाई ये है कि कांग्रेस का शासन भ्रष्टाचार का था, महंगाई का था, बेरोजगारी का था। मुझे लगता है राहुल गांधी जी उस सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे जो उनके शासनकाल के समय थी। मुझे लगता है इन राजनीतिक दलों को अपनी बात कहने दीजिए, जनता के सामने इनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। ये कभी धारा 370 को गलत कहते थे, ये कहते थे धारा 370 हटाना गलत है, ये कहते थे 3 तलाक का कानून लाना गलत है, ये कहते थे राम मंदिर बनाना गलत है, और जिस जिस बात को इन्होंने गलत कहा, जनता ने इनको वहां तक पहुंचाया कि आज 40-44 सीटों तक सीमित होकर रह गए।